समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए छतरपुर जिले की बिजावर विधानसभा सीट के विधायक राजेश बबलू शुक्ला छतरपुर कलेक्टर संदीप जीआर के विरुद्ध नाराजगी व्यक्त करते नजर आए। दरअसल विधायक बबलू शुक्ला बीती शाम छतरपुर के जिला अस्पताल पहुंचे थे। यहां उनके क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति को लगभग 3 घंटों तक जब कोई उपचार नहीं मिला तो उन्होंने कलेक्टर को फोन लगाया और जब कलेक्टर ने उनका फोन नहीं उठाया तो विधायक नाराजगी जताते नजर आए। आज मैं जिले का दुर्भाग्य समझता हूँ कि मेरे बिजावर से भी 2-3 मरीज आए हैं और मैंने सिविल सर्जन से भी कई बार बात की है, उस सिविल सर्जन भी विश्राम कर रहे हो। 3 बार कलेक्टर छतरपुर ने भी फोन लगाया है लेकिन एक विधायक होने के नाते कलेक्टर का फोन नहीं उठा है, तो मैं जी छतरपुर की दुर्दशा देख रहा हूँ कि छतरपुर जिले अस्पताल में क्या दुर्दशा है कि जब एक विधायक उपस्थित होने के बाद डॉक्टरों की और कोई व्यवस्था नहीं है तो आम जनता की क्या स्थिति होगी। मैं खुद शर्म अपने आप से करता हूँ और मैं बहुत जल्दी मध्य प्रदेश के मुखिया और मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी तक इस बात को पहुँचाऊँगा कि छतरपुर शहर का दुर्भाग्य है और जिले का दुर्भाग्य है कि 1 घंटे से मैं खुद खड़ा हूँ, ना यहाँ CS है ना डॉक्टर है, केवल मरीजों की भीड़ है। और मैं बहुत जल्दी या 19 तारीख से मेरी विधानसभा है, मैं विधानसभा में भी क्वेश्चन लगाऊंगा और जिले की हालात पे बात करूंगी। कलेक्टर रोज यहाँ दौरा करते हैं और खबरें छपवाते हैं तो इसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे भी अच्छा लगा था कि कलेक्टर छतरपुर में स्वास्थ्य के प्रति अच्छे आए हैं लेकिन आज मैंने खुद 3 बार अभी फोन लगाया उनको, अभी रात को 11 भी नहीं बजे हैं लेकिन एक विधायक का फोन भी नहीं उठा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य मैं नहीं समझता हूं कि आम जनता की क्या हालत हो। विधायक बबलू शुक्ला रात करीब 10:30 बजे जिला अस्पताल पहुंचे थे। दरअसल बिजावर क्षेत्र के ही रहने वाले एक खटीक परिवार का सदस्य एक सड़क हादसे में जख्मी हो गया था। ये व्यक्ति जिला अस्पताल पहुंच तो गया लेकिन 3 घंटे तक जब उसे उपचार नहीं मिला तो उसने विधायक बबलू शुक्ला को फोन लगाया। बबलू शुक्ला जिला अस्पताल पहुंचे और यहां के हालात देखकर गहरी नाराजगी प्रकट करने लगे। इस दौरान जिला अस्पताल के डॉक्टर्स के साथ भी बबलू शुक्ला की बहस हुई। मतलब आज उनसे ये डॉक्टर कह रहा है कि रात को हड्डी का डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, सुबह इलाज होगा, मतलब आदमी मर जाएगा लेकिन उसका इलाज कब होगा? सुबह। जी वो डॉक्टर बोल रहा है, जी कौन है डॉक्टर? मतलब उपलब्ध नहीं है मेरे पास हड्डी का डॉक्टर, मैंने कॉल कर दिया है। मैंने ये आप मरीज आए थे, मैंने इनको एडमिट किया, दवाई भी दी गई है, इनके साथ रिश्तेदार जो भी हैं उनको बाकायदा मैंने अर्जेंट कॉल लिखा है और सर से इनकी बात हो भी गई है, सर भी आ ही रहे हैं, मैं ऊपर पूछ के भी आया हूँ सर इनके। सर 1 मिनट आप ये मेरी बात बताइए, आप लोग इनकी सुनेंगे कि हमारी सुनेंगे? जो मैं ऑन ट्रीटमेंट मैंने इसको एडमिट किया है वहाँ सिस्टर से भी मैं सर बात करके आया हूँ। यार मेरे भाई मैं 1.5 घंटे से खुद खड़ा हूँ, 1 घंटे से मैं आपकी बात मान रहा हूँ सर, आप खड़े रहे। तुम कितने गंभीर डॉक्टर हो हम देख रहे हैं। मतलब आम जनता की क्या हालत है, अभी विधायक खड़ा है, विधायक के बाद तुम लोग क्या रिस्पॉन्स दे रहे हो, आम जनता की क्या दशा है? ये कह रहे हैं हमारी पट्टी भी नहीं हो रही, ये देखो पट्टी भी नहीं हो रही। जब बहरहाल बबलू शुक्ला और जिला प्रशासन के बीच ये पहला मामला है जब वे जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के रवैये पर नाराज होते नजर आए। बबलू शुक्ला ने कहा कि वे जल्द ही जिला अस्पताल की बदतर स्थितियों और जिला प्रशासन के रवैये के खिलाफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से शिकायत करेंगे। और छतरपुर में आज 3-4 घंटा लो हम ना समा कहीं पर कम नहीं थे, भर्ती तो कर लो बोतल चढ़ा दे लेकिन वो और कचूनी में काटते सवेरे होने ट्रीटमेंट रात के कचूनी होने और बोले जब डॉक्टर साहब सुबह आइए, अभी कोई डॉक्टर डॉक्टर नहीं है
सुबह आएंगे जब हम उसको वो करेंगे। फिर वो तो विधायक जी हमने फोन लगा, सुबह आ गए बाजार विधायक बबलू शुक्ला, राजा शुक्ला वे आ गए ऑन स्पॉट। तब बबलू बना के जब उनके सब कई जब उनको इलाज चालू हुआ, उन्होंने रेफर करा उनको।